नेत्रम ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं कि नेत्रम ग्रुप आप कैसे पहचानोगे। जैसे कि आप लोग मैक ग्रुप पढ़ चुके हो, काली ग्रुप पढ़ चुके हो, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल गई है। तो उस टाइप की कुछ अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हम नेत्रम ग्रुप में भी देखेंगे कि नेत्रम ग्रुप का पेशेंट किस पॉइंट से कंफर्म किया जाता है। ठीक है, नेत्रम की काफी सारी रेमेडी है, पर जो मेन हम रेमेडी पढ़ते हैं, नेत्रम म्यूर, नेत्रम नाइट्रिकम, नेत्रम फॉस, नेत्रम कार्व, नेत्रम हाइपोक्लोरोसम, तो इस टाइप की रेमेडीज काफी ज्यादा पढ़ी जाती हैं। बाकी मेडिसिन तो नेत्रम ग्रुप में 73 मेडिसिन हैं। ठीक, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं नेत्रम ग्रुप की। जो सॉल्ट होता है उसको हम यूज मतलब इंडिकेटेड किया जाता है जहां समर में हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है या फिर स्प्रिंग सीजन में। जैसे कि हमें नेट कोराइजा की कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसे ही वेट वेदर आता है या फिर समर सीजन एंड होने वाला होता है, तो नेट्रम्यून नेट्रम सल्फ काफी अच्छा काम करता है। या थंडरस्टॉर्म की कंडीशन, जब बिजली चमकती हो तब भी हम नेट्रम कार्व को सोचते हैं। सन स्ट्रोक, धूप की वजह से अगर किसी को कंप्लेंट्स आ रही हैं, एंड समर सीजन में जो पेशेंट काफी ज्यादा उनको वीकनेस हो जाती है या फिर फेंटिंग अटैक आते हैं, तो उस टाइप में भी नेट्रम ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है सन स्ट्रोक की कंडीशन में। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नेट्रम कार्व, नेट्रम कार्व में क्या देखने को मिलता है, जब पेशेंट हीट ऑफ द समर को ज्यादा एक्सपोज होता है तो बहुत ज्यादा उसको वीकनेस होनी चालू हो जाती है। ठीक है, स्पेशली क्रॉनिक कोना चालू हो जाएगा। जब भी पेशेंट सन को एक्सपोज होगा तो हर टाइम उसका हेडेक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सन स्ट्रोक, या फिर जब भी मौसम चेंज हो रहा है तो उस टाइप की कंडीशंस में हेडेक की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेट्रम ग्रुप का जो पेशेंट होगा काफी ज्यादा सैडनेस देखने को मिलेगा। सैडनेस, डिप्रेशन, बीपिंग कंडीशन, मेलनकोलिया, एंजाइटी, यहाँ पे बीपिंग टेंडेंसी नेट्रम ग्रुप में भी देखने को मिलती है, जैसे कि पल्सेटिला है या फिर सीपीआई, तो इसमें भी हमें बीपिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा मार्क्ड होती है। बट इसका जो पेशेंट होगा उसको कंसोलेशन से एग्रीवेट देखने को मिलेगा, लाइक सीपिया। ठीक है, सैडनेस, वीपिंग, वीपिंग में आपकी नेट्रम आर्स भी आती है, नेट्रम कार्व, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, ये सारी रेमेडीज जो होती है वो बीपिंग टेंडेंसीज में देखने को मिलती हैं। एंजाइटी में भी काफी ज्यादा दी जाती है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो वोरेक्स, वोरेक्स पढ़ भी चुके हो वी अल्फावेट में, वोरेक्स भी एक नेट्रम ग्रुप की रेमेडी है। ठीक है, इसको कब दिया जाता है वोरेक्स में, जब डाउनवर्ड मोशन से या फिर जो लिफ्ट वगैरह होती है स्टेयर से डाउन जाता है तो काफी ज्यादा उसको एंजाइटी फियर होना चालू हो जाता है, या फिर जो मदर है अपने बेबी को बेड पे लिटा लेंगे तो फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एंजाइटी होगी जब भी पेशेंट डाउन स्टेयर्स में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। वन बाई वन अगर हम बात करें एंजाइटी की कंडीशन नेट्रम आर्स, आर्सेनिक जुड़ गया है तो आर्सेनिक में भी काफी ज्यादा एंजाइटी होती है। ठीक है, और नेट्रम ग्रुप भी है, दोनों में ही काफी ज्यादा एंजाइटी होगी जिसकी वजह से पेशेंट किसी भी कंडीशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सैडनेस, मेलनकोलिया या डिस्करेजमेंट की कंडीशन, फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। डेस्पोंडेंट देखने को मिलेगा, फियर ऑफ बैड न्यूज की कंडीशन, ग्रीफ, तो काफी ज्यादा कंडीशंस नेट्रम ग्रुप में मार्क्ड होती है। या चेंजेबिलिटी ऑफ मूड, जैसे कि नेट्रम कार्व है, नेट्रम म्यूर है, बोरेक्स में भी चेंजेबिलिटी ऑफ मूड देखने को मिलता है। पेशेंट जो होगा नॉइस के लिए ओवर सेंसिटिव देखने को मिलेगा, चाहे आपने बोरेक्स भी पढ़ी है, बोरेक्स का बच्चा भी थोड़ी बहुत शोर शराबा से तुरंत उठ जाता है और डर के मारे उठता है। नेट्रम कार्व में भी है, नेट्रम म्यूर में भी है, जिसमें साउंड को लेके सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। म्यूजिक के लिए एग्रीवेशन, म्यूजिक से कंप्लेंट्स उनकी एग्रीवेट हो जाती है। इमेशिएशन, हाइपोकॉन्ड्रिक या कंप्लेंट्स में पीरियोडिसिटी मार्क्ड होती है। ठीक है, चलो अब स्लाइड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट पढ़े हैं। तो सोडियम एज अ कंस्टिट्यूशनल एजेंट होता है। ठीक है, जो पेशेंट्स होंगे वो इजिली इरिटेबल, पतले दुबले देखने को मिलेंगे, या जिसमें थायराइड की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन हमें मार्क्ड देखने को मिलती है। क्यों? सोडियम है। मेंबर्स ऑफ द नेट्रम ग्रुप, नेट्रम एसिटिकम, नेट्रम आर्स, नेट्रम कार्व, नेट्रम साइनेटम, नेट्रम हाइपोक्लोरोसम, नेट्रम म्यूर, नेट्रम आयोड, नेट्रम नाइट्रोसम, नेट्रम नाइट्रिकम, काफी सारी रेमेडीज हैं जो कि हम नेट्रम ग्रुप में पढ़ते हैं, पर उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडीज हैं
हम उन्हीं की बात करेंगे। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स की बात करें तो पेशेंट जो नेट्रम ग्रुप का पेशेंट होगा वो पतला दुबला देखने को मिलेगा, कमजोर देखने को मिलेगा, एनेमिक हो सकता है, ठीक है। टेम्परामेंट मेलनकोलिक होगा, विलियस अफेक्शन, जीआईटी के अफेक्शन में नेट्रम फॉस, नेट्रम सेल्फ बहुत अच्छा काम करती हैं। चिली होंगे बट तब भी इसकी कंडीशन सन से एग्रीवेट होती हैं, ठीक है, वार्म चीजों से एग्रीवेशन देखने को मिलेगा। रूमेटिक डायथेसिस, गाउटी डायथेसिस में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। साइकोटिक या फिर ट्यूबकुलर मियाज्म देखने को मिल रहा हो। मेंटल सिम्टम्स को लेके बात करें तो फर्स्ट वन हमें जो देखने को मिलता है टॉप मास्ट फीचर वो है ग्रीफ। पेशेंट को ग्रीफ बहुत ज्यादा होता है और हमेशा नेट्रम ग्रुप के जो पेशेंट होंगे अपने पास्ट में स्टक रहेंगे, अपनी पास्ट की चीजों को लेके काफी ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, रोना चालू करेंगे। बट नेट्रम ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं वो अपने अकेले में जाके रोते हैं, किसी दूसरों के सामने जाके नहीं रोते, जिसकी वो हम बोलते हैं साइलेंट ग्रीफ, ठीक है। तो साइलेंट ग्रीफ की कंडीशंस भी नेट्रम ग्रुप में मार्क्ड होती है, स्पेशली नेट्रम म्यूर। सैडनेस, डिप्रेशन, मेलनकोलिया, एंजाइटी, वीपिंग टेंडेंसी और पेशेंट को कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता है। हमेशा ये डार्क साइड देखता है, ठीक है, हर चीज की डार्क साइड देखेगा, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो नेट्रम म्यूर में। क्लोज्ड, रिजर्व टाइप के या इंट्रोवर्टेड, ये किसी से जल्दी से घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। चेंजेबिलिटी ऑफ मूड देखने को मिलती है, जैसे कि नेट्रम कार्ब है, नेट्रम म्यूर है, इवन बोरेक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो पेशेंट एकदम से हंसता है तो एकदम से रोना चालू कर देता है, लाफ्टर अल्टरनेट विथ वीपिंग। नॉइस के लिए ओवर सेंसिटिविटी, म्यूजिक के लिए इंटॉलरेंस, म्यूजिक जो एग्रीवेट करता है नेट्रम कार्ब, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, बट नेट्रम म्यूर को म्यूजिक से रिलीफ देखने को मिलता है। हाइपोकॉन्ड्रिक स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो इमिशिएशन मार्क्ड होता है। जितने भी नेट्रम होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा या फिर मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो एपेटाइट होते हैं, वो खाते अच्छा खाते हैं बट तब भी वीक होते चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग निमोनिक पढ़ते हो इंस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है समर और स्प्रिंग सीजन में इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती है। पीरियोडिसिटी ऑफ कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी। ब्रेड और मिल्क से अवर्जन, सॉल्ट से इसके क्रेविंग भी होती है, जो पूछते हैं नेट्रम ग्रुप में या फिर नेट्रम यूर कंफर्म करने के लिए कि आप ऐसा तो नहीं करते सब्जियों में नमक ऊपर से डालते हो, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। पेशेंट की जो एंजाइटी होगी स्टूल से रिलीफ मिलता है, इरिटेबिलिटी में भी या फिर एंगर होगा स्टूल से पहले, ठीक है। मॉर्निंग डायरिया की कंडीशन उसमें नेट्रम सेल्फ में पड़ते हैं या ब्रेकफास्ट के बाद किसी को डायरिया हो रहा हो। टंग करेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज्यादा टंग पेकुलर होती है, एक एक करके बात करें, नेट्रम म्यूर, ठीक है। तो नेट्रम म्यूर की जो टंग होती है उसको टंग पे हेयर लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कि कोई बाल है जो कि उसके टंग पर है, या मैप्ड टंग। रेड पैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिंग वॉर्म्स है, आप लोग पढ़ते हैं टेरेक्सिकम, मक्सॉल, नाइट्रिक एसिड, तो जो रिंग वॉर्म लाइक पैचेस देखने को मिलेंगे इसके टंग पर, ठीक है। नेक्स्ट है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ की जब आप लोग टंग देखते हो तो ये काफी ज्यादा ग्रीनिश होगी, गंदी सी लगेगी, या ब्राउन कोटेड देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आई नेट्रम फॉस की बारी। नेट्रम फॉस काफी जीआईटी कंप्लेंट्स में दिया जाता है, क्रीमी कोटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग एंटीएम क्रूडम में पढ़ते हो, ठीक है। इसको भी टिप ऑफ द टंग पे हेयर लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। नेट्रम नाइट्रोसम की जो मेडिसिन है उसमें भी टंग हैवीली कोटेड देखने को मिलती है, ठीक है। नेट्रम कार्व की जो टंग होगी वो काफी ज्यादा हैवी होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है। हाइपोक्लोरिसम की बात करें तो हाइपोक्लोरिसम की जो कंडीशन होती है वो मॉर्निंग में एप्थी की कंडीशन देखने को मिल जाती है, साइड्स ऑफ द टंग में प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, ठीक है। एप्थस, स्टोमेटाइटिस की कंडीशन में इसको काफी ज्यादा दिया जाता है, नेट्रम आर्स, नेट्रम कार्व, नेट्रम हाइपोक्लोरोसम, नेट्रम म्यूट, नेट्रम सल्फ, बोरेक्स को भी दिया जाता है, ठीक है। स्किन कंप्लेंट्स में मेडिसिन को दिया जाता है, जैसे कि मेडिसिन नेट्रम म्यूर हो गई, नेट्रम नाइट्रोसम या फिर हाइपोक्लोरोसम,
स्किन कंप्लेंट्स में बोरेक्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बोरेक्स में प्लीका कोलोनी का, ठीक है, या फिर बलवा में प्रूराइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, एक्जिमा की कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी जब अस्थमेटिक अटैक आते हैं तो उसमें नेट्रम आर्स, नेट्रम कार्व, नेट्रम सेल्फ काफी अच्छा काम करती है, या फिर रेस्पिरेशन लेने में डिफिकल्टी देखने को मिल रही हो तो उस टाइप की कंडीशंस में एनेमिक पेशेंट होगा, ल्यूकोमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर टेंडेंसी टू हैमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंकल्स में पेशेंट के चलते चलते पैर जो मुड़ जाते हैं या फिर डिसलोकेशन ऑफ एंकल्स देखने को मिलता है। नी में अफेक्शन, ग्लैंडुलर अफेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ग्वाइटर की कंडीशन में भी नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार मेडिसिन दी जाती है, या फिर ग्लैंड्स में इंड्यूरेशन हो रखा हो, स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिल रही हो। लैरिंजियल अफेक्शन, ब्रोंकाइटिस, बोन अफेक्शन, डेस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा हो। स्टेरिलिटी की कंडीशंस में, ठीक है, तो स्टेरिलिटी में आप लोग बोरेक्स भी पढ़ चुके हैं, नेट्रम कार्व भी स्टेरिलिटी की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, ये सारी जो मेडिसिन है वो स्टेरिलिटी में काफी ज्यादा इंडिकेट की जाती हैं। एक एक करके जब बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी टाइप की कंप्लेंट्स है जिसमें हम स्टेरिलिटी को यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बोरेक्स। बोरेक्स में क्या होता है स्टेरिलिटी, अगर बोरेक्स की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसमें स्टेरिलिटी देखने को मिल रहा है। बोरेक्स देने के बाद जो लेडी होगी इजी कंसेप्शन कर लेगी। नेट्रम म्यूर, इसके प्रोफ्यूज मैंसेस देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ। नेट्रम फॉस, नेट्रम फॉस में क्या होता है, वजाइना से एसिड सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से स्टेरिलिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेट्रम कार्व, नेट्रम कार्व में भी देखने को मिलेगा कि म्यूकस का काफी ज्यादा डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी। जनरल मोडलिटीज की बात करें तो सनसे एग्रीवेशन होगा, सुबह के 11 बजे मॉर्निंग में एग्रीवेशन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पे लेटने से, या फिर मिल्क से एग्रीवेशन भी होता है और मिल्क से अवर्जन भी है, ठीक है। सी सोर वाले एरिया पे इसको बेटर फील होगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में दी जाती है और बहुत अच्छा काम भी करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक नेट्रम म्यूर। जब नेट्रम म्यूर पढ़ लोगे तो नेट्रम म्यूर के अच्छे तरीके से करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगी, तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिसकी वजह से हम सबसे पहली मेडिसिन जो पढ़ रहे हैं वो है नेट्रम म्यूर, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं नेट्रम म्यूर के पॉइंट्स के बारे में कि नेट्रम म्यूर किस कंडीशंस में दी जाती है। नेट्रम म्यूर का जो कॉमन नेम है वो लोग आप तो जानते ही हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl से जानते हैं, या सॉल्ट, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने इसको प्रिपेयर किया है। अगर हम इसके स्पेयर ऑफ एक्शन को लेके बात करें तो इसमें पॉलीक्रेस्ट है तो सारे पे इसका एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एनेमिक होगा, कैथेटिक होगा, वाइटल फ्लूइड्स की लॉस की कंडीशन, बहुत ज्यादा इमिनाइजेशन, पेशेंट अच्छा खासा खाता है तभी वो वीक होता चला जाता है, चिली होगा पेशेंट, ठीक है। ड्राइनेस देखने को मिलेगी स्किन में, नमनेस की कंडीशन, या फिर काफी सारे पार्ट्स में कोल्डनेस लाइक सेंसेशन देखने को मिलेगा। पीरियोडिसिटी मार्क्ड होती है, पेशेंट थर्स्टी होगा। अब जो बात करें कि नेट्रम म्यूर का कॉजेशन कहाँ से आता है, कॉज क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम, तो एसिड फूड, ब्रेड, या फिर सॉल्ट का ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उस टाइप की कंडीशन में हम फॉस्फोरस का भी यूज करते हैं और नेट्रम म्यूर का भी यूज करते हैं, ठीक है। नेट्रम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जहां इमोशन का सप्रेशन देखने को मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि इमोशनल पेन है तो काफी ज्यादा पेशेंट अपने चाइल्डहुड में या फिर अर्ली स्टेजेस में सप्रेस करके रखता है, तो इसको एक फियर भी हो जाता है, फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, या फिर लॉसिंग ऑफ लव्ड वन, रिजेक्शन का फियर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अवर्जन हो जाते अफेक्शन से, सिंपैथी से, या फिर कोई उसके बारे में कोई बात करे, ग्रीफ की टेंडेंसी मार्क्ड होगी, डिप्रेशन, पेशेंट दूसरों के सामने नहीं रोता ही अपने अकेले में जाके रोएगा, गिल्ट की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बीपिंग टेंडेंसीज की कंडीशंस देखने को मिलती है,
नेत्रम का जो पेशेंट होगा वो काफी ज्यादा वर्कहोलिक होगा, अल्कोहलिक भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इसके जो मोरल होते हैं वो हाई मोरल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ठान लिया तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। या फिर ओवर सेंसिटिवनेस, नॉइस के लिए सेंसिटिविटी, सिंपैथेटिक, क्वेश्चन के बाद में सैडनेस की कंडीशन, एंगर की वजह से बैड इफेक्ट्स आ रहे हो, किसी ने उसको ह्यूमिलेट किया है या फिर ऑफेंस किया जिसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेंट्स आ रही हैं, ग्रीफ की वजह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मॉर्टिफिकेशन या रिजर्व डिस्प्लेजर की कंडीशन, इरिटेबिलिटी देखने को मिल जाती है, वीपिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी। पेशेंट जो होगा वो हाइपोकॉन्ड्रिक स्टेट में होगा। इसके सपने की बात करें तो नेटमयूर के जो सपने आते हैं वो ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, चोरी चकारी के सपने आते हैं। जब तक कि उठ के वो पूरे घर को देख नहीं लेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठता है। ठीक है, हार्डक की कंडीशन में आपको पता ही है कि नेटमयूर कितना ज्यादा इंडिकेट किया जाता है। तो पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा एनेमिक होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। स्पेशली इसकी जो वीकनेस होती है वो नेक रीजन में होगी। आब्रोटेनम की जो वीकनेस होती है वो उसकी एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलती है। फेस इसका ऑयली देखने को मिलेगा, शाइनी देखने को मिलेगा, नर्वस टाइप के पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो थीम की बात करें, द मेन फीलिंग ऑफ नेट्रम्यूर इज दैट सी विल बी लेट डाउन और बीटेड और डिसअपॉइंटेड बाई द पर्सन हर ट्रस्ट डिपेंड्स, जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी उसने क्या किया, उसको धोखा दिया है, या जिसको वो लव करती थी। ठीक है, तो माइंड की बात करें तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, फ्राइट, एंगर, काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिल जाता है। थोड़ी बहुत चीजों से चिड़चिड़ापन हो जाएगा या फिर रोना चालू कर देगा, बट कंसोलेशन एग्रेवेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, रॉवर्स के ड्रीम, डिप्रेस की कंडीशन, ऑकवर्डनेस, हास्टीनेस, जो पेशेंट चीजें पकड़ रहा है तो उसके हाथ से चीजें छूट जाती हैं, जो कि एपिस मेलिफिका में भी और बॉविस्टा में भी है। स्माइलिंग एंड लाफिंग, जो कि हमने बताया था मूड चेंजेबल, ठीक है, अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करती है। द इमोशनल पेन दैट इज एट द सेंटर ऑफ नेट्रम पैथोलॉजी ओरिजिनेट अर्ली इन द चाइल्डहुड। ये गाना इसको काफी ज्यादा डेडिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो दुख होता है अपने अंदर ही रखेगी, किसी को बताती नहीं है, तो इसमें इमोशन सप्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बेपिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वेन सैड और हर्ट दे डू नॉट वॉन्ट कंसोलेशन और पिटी, ठीक है, जैसे कि सीपिया भी है। नेट्रम्यूर इज वेरी फाउंडली अफेक्टेड बाई ब्रेकिंग अप ऑफ रिलेशंस, जैसे कि लव अफेयर या फिर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही हो लव में, तो जिसकी वजह से इसको कंप्लेन्ट्स आती हैं। देखो ये कहावत इसके ऊपर अच्छी तरीके से फिट बैठ रही है, अकेले ही सहना अकेले ही रहना होता है, अकेलेपन का हर एक आंसू अकेले ही पीना पड़ता है। ठीक है, तो ये पास्ट की चीजों को लेके काफी ज्यादा सोचना चालू कर देती है, थॉट्स इसको पास्ट के लेके काफी ज्यादा होते हैं और उसी थॉट्स में ये एब्जॉर्ब भी रहती है। अलोन डिजायर है, कंपनी अवर्जन है, दूसरों के सामने रोना पसंद नहीं करती है, या फिर कोई इसको आके मनाए तो इसको वो भी पसंद नहीं होता है। तो हर चीज जो रहता है इसमें अकेले ही देखने को मिलता है, अलोन देखने को मिलता है। ठीक, कंपनी अवर्जन, कंसोलेशन एग्रीवेशन, साइलेंट ग्रीफ, वीपिंग, अलोन वीपिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। पलवल मुश्किल से कट रहा है, अब तेरी कमी खल रही है, वार से शांत हूं मगर जुदाई की आग अंदर जल रही है। मीन्स ग्रीफ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है और अनप्लीजेंट अक्रेंसेस के बारे में सोचती रहेगी। ठीक है, कि उसने क्या कर दिया, हमेशा इसको रिकॉलिंग होती रहती है पास्ट की चीजों को लेके। लोथिंग ऑफ लाइफ, खुशी के मिलने का अब कोई भी रास्ता ना रहा, मीन्स उसको क्या हो रहा, लोथिंग ऑफ लाइफ, एक अपनी जिंदगी बोझ के समान लग रही है। ठीक, नींद से भी आजकल तेरा कोई वास्ता ना रहा, सैडनेस, मेंटल डिप्रेशन, तो इस टाइप की कंडीशंस नेट्रम म्यूर की होती है। अपने अफेक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो रॉन्ग पर्सन या फिर मैरिड पर्सन से लव कर बैठती है। अ नेट्रम्यूर चाइल्ड विल बी रिजर्व्ड एंड साइलेंट, जो नेट्रम्यूर का बच्चा होगा वो उसके दोस्त आप लोग देखोगे बहुत कम होंगे, कम बोलने वाला होगा या साइलेंट टाइप का देखने को मिलेगा। किसी ने इसका ऑफेंस कर दिया, किसी ने इसकी इंसल्ट कर दी, ह्यूमिलेट कर दिया, या किसी ने इसको जोर से डांट दिया, तो ये बीमार पड़ जाते हैं, लाइक इग्नेशिया। हेडक की बात करें तो मोस्ट ऑफ इसकी कंप्लेंट्स जो होती है वो सन हेडक होना चालू हो जाता है, सनराइज से लेके सनसेट इसको हेडक की टेंडेंसी देखने को मिलती है। पेशेंट जो का एनेमिक होगा, स्कूल गोइंग गर्ल्स में हेडक की कंडीशन देखने को मिल रहा हो, ठीक है,
लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड्स की वजह से हेडेक, या फिर सॉल्ट का ज्यादा यूज कर लिया हो, मेंटल अफेक्शन, आंखों का यूज कर लिया हो, पेशेंट को जो सेंसेशन होता है कि कितने हैमर्स इसके मारे जा रहे हैं, ठीक है, फीवर के टाइम पे भी स्पेशली। और हमने बताया था सुबह के से चालू हो जाता है और रात तक इसका पेन बना रहता है। हीट ऑफ द सन या फिर स्टोव से इसको एग्रीवेशन देखने को मिलेगा। कैटामेनिया के टाइम पे इसको हेडक होता है, मीन्स मेंसेस के टाइम पे, जब मेटोरेजिया मेनोरेजिया की कंडीशन काफी ज्यादा प्रीडोमिनेट हो। हंगरी की कंडीशन, पेशेंट को भूख मतलब खाता अच्छा खाता तभी वो वीक होता चला जाता है। हार्ट वर्न, थर्स्टी होगा, खाते टाइम पे उसको स्वेटिंग की टेंडेंसी देखने को मिलेगी। सॉल्ट की क्रेविंग या ब्रेड से अवर्जन, ऑयस्टर से अवर्जन, जैसे कि लाइकोपोडियम है, ब्रेड से अवर्जन इसमें काफी ज्यादा मार्क्ड देखने को मिलेगा। एंड जो थर्स्ट होती है इसकी, कोल्ड ड्रिंक्स की थर्स्ट होगी, कॉन्स्टेंटली चिली रहना पसंद करेगा, ठीक है, पेशेंट जो होगा चिली होगा, लैक ऑफ वाइटल हीट की कंडीशन देखने को मिलेगी। मैंसेस इरेगुलर या फिर प्रोफ्यूज मैंसेस, वजाइना ड्राई, जैसे कि लाइकोपोडियम है, लिकोरिया, एक्टिव डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हो। वियरिंग डाउन पेन सीपीआर की तरह, इनफेक्चुअल लेवर पेन की कंडीशंस देखने को मिल रही है, या फिर मैंसेस सप्रेस्ड हो। तो मैंसेस सप्रेस्ड हो तो काली काफ के बाद अगर इसको इंडिकेट किया जाए तो काफी अच्छा काम करती है ये। वैक में पेन देखने को मिल रहा हो, बस इसको जो सपोर्ट की डिजायर देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं रूटा में, पेशेंट को काफी ज्यादा वैक एक देखने को मिल रहा है, अगर वो हार्ड सरफेस पे लेट जा रही है या फिर अपने बैक को सपोर्ट कर रही है तो उसको रिलीफ मिल रहा है। एंकल्स वीक होंगे, बहुत जल्दी टर्न कर जाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, ज्वाइंट्स में क्रैकलिंग साउंड देखने को मिल रही हो, ये तो बता ही चुके हैं। हेयर फॉलिंग की कंडीशन, नर्सिंग वुमेन में अगर हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, लाइक हैंग नेल की कंडीशन, खुली हवा में इसको बेटर लगता है, कोल्ड वाथिंग, फास्टिंग, राइट साइड पे लेटने से या फिर बैक के अगेंस्ट कोई सपोर्ट देगी, प्रेशर देगी तो पेशेंट को रिलीफ होगा, टाइट क्लॉथिंग से पेशेंट को रिलीफ देखने को मिलता है, वार्म और हीट या फिर सन से इसको एग्रीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो है नेट्रम म्यूर, और हमने कुछ शायरी भी लिखी है जिसकी वजह से नेट्रम्यूर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आप लोग पढ़ोगे एन सीरीज की या फिर नेट्रम ग्रुप की, तो वो कौन सी मेडिसिन, नेट्रम आर्स, इसमें आर्सेनिक ग्रुप लग गया है, ठीक है। अब जब आर्सेनिक ग्रुप लग गया है तो मींस क्या होगा, आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस मार्क्ड होगी, वीकनेस मार्क्ड होगी, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, तो जहां पे भी नेजल कैटरे हो रहा है, सोरियासिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, या फिर बच्चों में ब्रोंकाइटिस है 7 सालों से, काफी लंबे ईयर से, फ्लोटिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, प्रेशर या फिर टबैको स्मोक से हेडेक देखने को मिल रहा है, वाटर डिस्चार्ज की कंडीशन, ठीक है, ड्राई क्रस्ट देखने को मिल रहा है नोज में, या फिर नोज में क्रस्ट जम गए हो, तो उस टाइप की कंडीशन में यूज किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन में भी नेट्रम आर्स का यूज किया जाता है। अगर किसी को एक्यूट कोराइजा हो, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, क्योंकि आर्सेनिक भी चिली रेमेडी और नेट्रम ग्रुप भी चिली रेमेडी है, डिस्चार्ज वॉटरी कंडीशन देखने को मिल रही हो, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की कंडीशन, इसका जो पेन होगा, हेडेक का जो पेन देखने को मिलेगा वो रूट ऑफ द नोज पे पेन होगा। कंजक्टिवाइटिस, अगर किसी ने गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर लिया तो पेशेंट को रिलीफ भी देखने को मिलता है, ठीक है। आंखों में ड्राइनेस होगी, बर्निंग देखने को मिलेगी, इवन इसका एक्सपेक्टोरेशन वलगम जो होता है काफी ज्यादा वॉटरी कंडीशन देखने को मिलती है। आई स्ट्रेन की वजह से अगर पेन हो रखा हो, जैसे कि रूटा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है या फिर नेट्रम म्यूर है, मेंटली पेशेंट रेस्टलेस होगा, नर्वस होगा, फिंगर्स में काफी ज्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, नोज में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है या फिर नोज में रॉनेस है, क्रस्ट जम गई हो, ल्यूकोमिया की कंडीशन, स्टोमक कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। जब इसकी हिस्ट्री पूछते हैं तो पेशेंट की जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, पेशेंट जल्दबाजी में खाना खाता है, जब पेशेंट हरेट से खाना खाएगा तो जिसकी वजह से उसको अल्सर्स हो जाते हैं, फ्लैटुलेंस की कंडीशन, स्वीट्स की डिजायर देखने को मिलेगी, रिजर्व्ड होते हैं, कंसंट्रेशन पुअर देखने को मिलता है और एंजाइटी काफी ज्यादा मार्क्ड होती है। तो ये बात रही आपकी कुछ क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द नेट्रम आर्स, ठीक। कफ की कंडीशन, ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो, माइनस अस्थमा, ऐसा लग रहा है कि उसका जो लंग्स है वो स्मोक से भर गया हो, ठीक है, स्मोक उसने काफी ज्यादा इनहेल कर लिया जिसकी वजह से
अस्थमेटिक अटैक आ रहे हो, शोल्डर्स में पेन देखने को मिल रहा है, जॉइंट्स में स्टिफनेस देखने को मिल रही है, या फिर नी जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट नेट्रम ग्रुप की रेमेडीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।